To be a master of law of attraction is to be a master of your own state of feelings. दोस्तों, law of attraction काम करता है, purely काम करता है feelings के ऊपर. दोस्तों, हम सभी को पता है कि feeling is the secret. हमारे feelings ही हमारे secret है. Law of attraction powerfully काम करता है उन लोगों के लिए जिनके feelings बहुत strong है, बहुत positive है. पर कई बार हमारे life में हम एक negative feelings के loop में फंस जाते हैं और उस निगेटिव फीलिंग के लूप से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में मैंने यही बात आपको बताई थी कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन. जब हम पॉजिटिव फीलिंग्स में होते हैं तब हमारी एनर्जी हाई होती है और वो एनर्जी एक हाई फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है. और अपोजिट टू दैट, व्हेन वी आर इन द लूप ऑफ नेगेटिव फीलिंग, उस टाइम हमारी एनर्जी काफ़ी लो होती है और वो लो एनर्जी एक लो फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है. अगर आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ही फास्टली और बहुत ही इफेक्टिवली काम करे, तो फर्स्ट यू नीड टू रेज योर वाइब्रेशन. तो दोस्तों, इस नेगेटिव फीलिंग्स के लूप से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है. और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप इस निगेटिव फीलिंग के लूप से बहुत ही इमिडिएटली, बहुत ही फास्टली बाहर निकल सकते हैं. तो दोस्तों, पहली इम्पॉर्टेंट टेक्निक है यूज़ द सीक्रेट शिफ्टर. व्हाट इज मीन बाय सीक्रेट शिफ्टर और उसे कैसे यूज़ करना है? दोस्तों, सीक्रेट शिफ्टर मतलब जब आप कोई भी अच्छी चीज़ को रिपीटेडली करते हो तो आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है. You are feeling very happy at that time. वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है दोस्तों, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती है. For example, कई लोगों को बुक रीडिंग करने के बाद बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है, बहुत ही हैप्पी फीलिंग होता है. कई लोगों को अपने फ्रेंड के साथ एक डीप कॉन्वर्सेशन करने से बहुत अच्छा महसूस होता है. कई सारे लोगों को वर्कआउट करने से या कोई गेम खेलने से, मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी गेम हो, वो गेम खेलने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस होता है. तो दोस्तों, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर ओन सीक्रेट शिफ्टर. मतलब आपको खुद को आपके सीक्रेट शिफ्टर को आइडेंटिफाई करना होगा. हर एक व्यक्ति के लिए ये सीक्रेट शिफ्टर डिफरेंट हो सकता है. आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सी अच्छी चीज़ करने के बाद मुझे अच्छा महसूस होता है. आई एम फीलिंग हैप्पी एट दैट टाइम. यू नीड टू फाइंड दैट थिंग एंड दैट विल बी योर सीक्रेट शिफ्टर. और अगर आप निगेटिव फीलिंग के लूप में फंसे हुए हो तो आपको ये सीक्रेट शिफ्टर को यूज़ करना है. मतलब अगर आप निगेटिव फीलिंग से गुजर रहे हो और अभी आपको लगता है यू हैव टू ब्रेक दिस लूप, सो एट ए टाइम यूज सीक्रेट शिफ्टर. मतलब अगर मैं निगेटिव फीलिंग में फंसा हुआ हूँ तो मेरे लिए मेरा सीक्रेट शिफ्टर है बुक रीडिंग, इंस्पायरिंग सेल्फ हेल्प बुक और बायोग्राफीज, बिजनेस बुक्स. ये बुक्स रीड करना मुझे काफ़ी पसंद है, तो ये सीक्रेट शिफ्टर मैं यूज़ करता हूँ खुद के लिए. तो आपको भी आपका खुद का पर्सनल सीक्रेट शिफ्टर आइडेंटिफाई करना होगा. तो दोस्तों, ये हो गई फर्स्ट टिप. सेकेंड टिप इज आस्किंग अ पावरफुल क्वेश्चन. तो वॉट इज मीन बाय आस्किंग अ पावरफुल क्वेश्चन? तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम यूज करते हैं हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग को अचीव करने के लिए. पर उसको अचीव करने से पहले आपके दिमाग में कुछ तो ख्याल आए होंगे, कुछ तो विचार आए होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू इंस्पायर्ड विद इन टू अचीव दैट गोल, टू अचीव दैट मैनिफेस्टेशन. तो दोस्तों, अगर हम निगेटिव फीलिंग्स के लूप में फंस जाते हैं तो आपको खुद को ये पावरफुल सवाल पूछना है. पावरफुल सवाल ये है कि व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी. मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये जर्नी मेरे मैनिफेस्टेशन को अचीव करने के लिए क्यों स्टार्ट की? व्हाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू क्लियर your why, your big why, then it will be very easier for you. जब ये सवाल आप खुद को पूछेंगे और उस सवाल के आंसर आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में ये negative feeling के loop automatically close हो जाएंगे और उस loop से आप exit कर पाओगे इस powerful सवाल को answer करने के बाद. You need to find the big why behind this. तो दोस्तों, ये थे बहुत ही सिंपल बट वेरी पावरफुल टेक्निक
फर्स्ट टेक्निक थी सीक्रेट शिफ्टर और सेकंड टेक्निक है आस्किंग अ पावरफुल क्वेश्चन। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी आप निगेटिव फीलिंग्स के लूप में अटक जाओ तो आपको ये दो टेक्निक्स का यूज़ करना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पाथ में जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी रेजिस्टेंस आप फेस कर रहे हो आपके मैनिफेस्टेशन को अचीव करने में, वो ऑब्स्टेकल को आप सरपास कर सकते हो वेरी सक्सेसफुली। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस दो टेक्निक को यूज़ करने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये टेक्निक्स आपको कैसे लगे, उसके एक्सपीरियंस आपको कैसे आए पर्सनली, ये आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।